हेलो भाई, सभी को नमस्कार। हम लोग निकल रहे हैं, आ जाएंगे शिमला जाएंगे, सिक्किम जाएंगे। अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लखनऊ जाने के बाद फाइनल करेंगे। अभी बस कैसे भी घर छोड़ना था, फाइनली हम लोगों ने एक एक कॉफी ले लिया है टाइम पास पे। उधर अपनी लंटा खड़ी है, इधर भाई अरविंद भाई हैं, भैया हैं, और इधर अभिजीत भाई, अखिलेश भाई। बस निकलते हैं, उसके बाद आगे का फिर आपको दिखाते हैं। हम लोग अपने शहर से बाहर निकल चुके हैं, पे हम लोग आप लगभग हम लोगों को 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे लखनऊ पहुंचने में। आपको पता होगा मनाली में है आप? मनाली के लिए निकला हूँ, ऑन रूट हूँ। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ऊंचाहार में, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहीं पे हम लोगों ने अभी 10 मिनट का बस स्टे लिया है, और उसके बाद फिर चाय वाय करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। ये दो बहादुर, दो पहलवान, ये सुमो पहलवान, ये लंबू पहलवान, और ये लोग आपस में पेट लड़ाते हुए। ये हमारे अरविंद भाई, इनको कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। और वो साहब तो खाने के लिए सबसे पहले भाग रहे हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रायबरेली सिविल लाइंस में, और यहाँ एक बजरंगबली का मंदिर है जिसका हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। मौसम भी बिल्कुल रंगीन हो चुका है, बारिश इधर हुई है अभी। जय बजरंगबली। इतिहास बताएंगे? इतिहास ये है कि मैं यहाँ से पैसा चुराता था। अच्छा, देखिए बजरंगबली के सामने आप गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तो अब हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं, दर्शन कर चुके हैं, और थोड़ी जल्दी थी इसलिए हम लोगों ने 5 मिनट वक्त दिया यहाँ पे। तो आपने देख ही लिया, आप जब भी आइए रायबरेली सिविल लाइन्स में तो आप इस मंदिर का दर्शन कीजिए, यात्रा मंगलमय होगी। वकील साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, दर्शन हो रहे हैं प्रभु के। बिल्कुल, पांडे जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? दीपेंद्र भाई का हमारे 17 तारीख तक कॉलेज बंद हो गया है। हाँ, आज दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग लखनऊ में आ चुके हैं, और अभी हम लोग हैं जेल मार्ग पे, जो कि यही सड़क हमें आगे 10 किलोमीटर के बाद आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ देगी, और आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। और अभी तक का हमारा डिसीजन यही है कि हम लोग शिमला चलेंगे, और शिमला चलने के बाद फिर जैसा वेदर रहेगा फिर सोचेंगे मनाली के बारे में। और अभी हम लोग रुके हुए हैं फूड कोर्ट यार्ड जो होता है एक्सप्रेसवे के किनारे, लगभग हर 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पे बना हुआ है, और ये हो चुकी है बिल्कुल काली से सफ़ेद। खैर, ये तो होना ही था। और ये रहे हमारे हमारे भाई लोग, अपनी बख्शोदियों में बिजी हैं। ये भाई साहब वकील साहब हैं, इनको हर जगह अपनी मतलब जल्दी लगी रहती है। काम की चीज करो काम। बाकी ये रहा यहाँ का फूड कोर्ट यार्ड कैंटीन एरिया। ये रहे हमारे ऑर्डर, हमने लगाए थे छोले भटूरे। ये हमारे भैया का छोला भटूरा। तो भैया साइज पसंद आई कि नहीं आपको छोले भटूरे की? साइज अच्छी है अरविंद भाई, तुम लोग खाओ ना। तो दोस्तों हम लोग खाना खा करके और आ चुके हैं, और हमारे वकील साहब लगे हैं यहाँ भी फाइल मेंटेन करने में, मतलब कि हिसाब किताब कर रहे हैं। खैर, अच्छी चीज़ है। भैया खाना कैसा था? खाने का फीडबैक कैसा था कि भाई खाना ठीक था, भूख लगने पे खाया जा सकता है, बट बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। बिल्कुल। अरविंद ब्रो क्या हुआ, उठो, क्यों सो रहे हो? 15 रुपये। हम लोग लखनऊ से निकले थे, और 150 किलोमीटर पे एक फूड प्लाजा पड़ा था, वहाँ हम लोग रुके आधे घंटे, खूब मस्ती वस्ती किए जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा। और वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे यानी कि इटावा में ये फूड प्लाजा है जहाँ फिर से हम लोग रुके हैं 10 मिनट के लिए, केवल 10 मिनट के लिए। भाई हम लोग आ चुके हैं ये आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म करके यमुना एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग में, जहाँ पे ये टोल नाका पड़ता है, और यहाँ पे टोल लगता है 40 रुपये का। लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, सामने आप देख रहे होंगे टपरी लगी हुई हैं, तो चाय बना रहा लड़का, बोला है भाई साहब एकदम स्पेशल चाय पिलाऊंगा आपको, बढ़िया सी। ये सर आप काफी सोए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले हम पेश होंगे अभी और सोऊंगा। क्यों भाई साहब, आप पांडे जी वकील साहब, ये भारत सरकार के खुफिया सामने दिखा रहा है। मैं पूरी रास्ते सोया नहीं हूँ। तो भाइयों समय हो गया है सुबह के 5:18, हम खड़े हैं इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे के टोल नंबर 2 पे, जहाँ पे हमारा टोल कटा है 155 रुपये का, और टोल दिख भी रहा होगा
ये मतलब यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर पहले था, और ये है जो यहाँ पे जन सुविधाएँ, पब्लिक कन्वीनियंसेस। सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर टहलने आए तो मथुरा टोल के आगे वाले रेस्ट रूम पे गलती से भी ना रुकें, वरना आप रेक्टल से लेके यूरिनल तक की एकाध बीमारी लेके जाएंगे। प्रेशर चाहे जितना हाई हो, निकालना जेवर के पास ही है। बाकी आप डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और ये इससे भाई यहाँ सुविधाओं से सब लोग डिससेटिस्फाई हैं, कोई सेटिस्फाई नहीं है। डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई अगर इसको हम बोलेंगे तो इसके लिए भी एक कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, ब्रश वगैरह करने के मूड में थे हम लोग, लेकिन सारा मूड खराब हो चुका है, तो हम लोग वापस से अपनी गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी की दशा ऐसी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा, हमने खरीदी काली थी, हो गई ग्रे। हो गई ग्रे, हो रहा है क्या? नंबर तो दिख ही नहीं रहा है। हेलो भाई, सबको गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, और लगातार ड्राइविंग के बाद हम लोग पहुंच पाए हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, जैसे कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, उसके साथ साथ कोहरा भी हल्का हल्का था, बादल बिल्कुल घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग धीरे धीरे चंडीगढ़ आ गए हैं। और वहाँ पर हम लोग रुके हैं, हाईवे करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पर रुके हुए हैं, और ये रही अपनी कार, और बाकी भाई लोग हैं अंदर, सबसे मिलवाता हूँ। हम लोग ये आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, भाई साहब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कॉफ़ी पी लो भाई, कॉफ़ी। उतर गया लगाई थी ऑर्डर पे कॉफ़ी, और ये ब्रेड मक्खन, बोले ब्रेड मक्खन नहीं बटर फ्राई से। अच्छा ठीक, और भाई आप कुछ बोलना है? हाँ, पहले में सब लगे हैं भोसड़ी वाले, कुछ बोल लिया करो। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं शिमला, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, और हम लोग यहाँ ले रहे हैं अपनी कार में डीजल, क्योंकि थोड़ा कम था, डर लग रहा था कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने ले लिया है। और भाई ये व्यू देखो, व्यू जो मतलब एकदम मज़ेदार, मतलब क्या ही कहें, ललन टॉप भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है यार एकदम। ये हमारे मोटे भाई साहब, इनकी कार से हमें निकलना, ठंडी ज़्यादा लग रही है। अजीत भाई, भाई ये देख लो प्राइस डीजल का, हम लोग लिए थे यूपी में 86 और 86, और जब टंकी हमने फुल कराया, 70 लीटर टंकी है ना, 70 लीटर टंकी है, और 1000 से अधिक किलोमीटर चला लिया हम लोगों ने, अभी थोड़ा सा फ्यूल बचा हुआ था गाड़ी में। और यहाँ पे रेट का डिफरेंस देख लो भाई, रेट का 79.40। हम लोग भाई फायदे में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फुल करा रहे हैं फिर से टंकी अपनी। इधर ले लें, यहाँ से शूटिंग करके, शूटिंग करने आते हैं यहाँ बंदे।